स्टूडेंट, मेरा नाम है आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। क्या आप गुणनफल ब्रैकेट -3 × -2 ज्ञात कर सकते हैं? निम्नलिखित को देखिए, ये एग्जाम्पल है, हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे और आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। -3 × 4 = 12 -2 × 3 = 9 तो माइनस है तो -9 और फिर इज इक्वल टू -12। ये 9 को -12 से इधर किया ना तो 3 आ जाएगा। -3 × 2 = 2 3 2 6 एक ही हुआ। फिर 6 = -9 माइनस फिर -3 और 9 में से हमारा 6 गया तो हमारा -3 आएगा। फिर -3 × 1 = -3 फिर −6। 3 में से 6 गए तो हमारा 3 आएगा। फिर ये देखिए, यहाँ तक पूरा 1 है, फिर यहाँ नहीं, यहाँ तक -3 × 0। अगर हम 3 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 और अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा और उस पर हमें कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 में से 3 माइनस होंगे तो क्या होगा? 0। -3 × -1 = 0। ये यहाँ तक एक लाइन है, फिर यहाँ से -3 = 0 फिर +3 = 3। -3 × -2 = 3 फिर ये देखिए माइनस और माइनस है 3 तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, या आप 3 को ऐड करेंगे तो भी 6 हो जाएगा। और ये देखिए ये 3 में से हमारा 3 × 2 = 6 और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया तो 3 + 3। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है? ध्यान दीजिए कि गुणनफल कैसे परिवर्तन होता है। आइए हम लोग परिवर्तन करते हैं। ये देखिए, इन प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। देखिए -3 × -3 तो 3 × 3 = 9 तो ये माइनस माइनस हमारे क्या प्लस हो गया। फिर -3 × -4 फिर 3 × 4 = 12 तो ये हमारा प्लस में आएगा। अब इन गुणनफलों को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये हमारा माइनस है मल्टीप्लाई और यहाँ पर आगे हमारा प्लस है तो माइनस प्लस ऑलवेज माइनस होता है। 4 × 4 = 16 फिर यहाँ पर भी यही रूल है। देखिए आप, ये माइनस 4 × 3 = 12 ये देखिए हमारा माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है फिर इक्वल टू -16 + 4। फिर ये देखिए आप -4 फिर मल्टीप्लाई 2 × 4 = -8 फिर इस इधर आप देखिए, इधर माइनस में आ गया है प्लस में आ गया है। माइनस और प्लस ऑलवेज माइनस होता है। अगर आप 12 में से 4 जो है माइनस करेंगे तो भी आपका -8 आएगा। यहाँ पे दिया गया है कि आप आगे खुद से कर दीजिए। ये देखिए -8 आएगा और इधर भी यही रूल है। अगर ये माइनस है और इधर प्लस है, अगर आपका 16 में से 4 लेस होगा तो आपका यहाँ पर आएगा -12। अब देखिए ये माइनस, फिर वही ये देखिए 4 × 1 = 4 माइनस है तो माइनस कर दिया। फिर माइनस, ये देखिए -4 का मल्टीप्लाई अगर 0 से होगा तो ऑलवेज 0 ही आएगा, ना कोई साइन लगाना है माइनस का प्लस का, कुछ नहीं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिए -4 × 1 तो 4 × 1 = 4 और माइनस माइनस हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया। इसी तरह से सारे हैं, 4 × 2 = 8 माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाए नहीं लगाएं तो भी यहाँ का हमेशा प्लस ही बोलते हैं। इन पैटर्नों से हम देखते हैं कि माइनस, ये देखिए ब्रैकेट में 3 × 1 तो = 3 3 × 1 = 3 और ऐसे इधर से भी करेंगे तो 3 × 1 = 3 आएगा। अब ये देखिए -3 फिर ब्रैकेट में -2
थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस थ्री ब्रैकेट में फिर माइनस थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो नाइन आ गया हमारा, फिर थ्री थ्री ज़ा नाइन, और माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन इक्वल टू फोर, फिर इक्वल टू फोर वन ज़ा फोर, इसीलिए माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस टू इक्वल टू फोर टू ज़ा एट, ये माइनस माइनस है तो प्लस लग जाएगा, हमें प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी यहाँ पे माना रहता है कि प्लस है, फिर माइनस फोर फिर मल्टीप्लाई माइनस थ्री, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। अब यहाँ पर भी हम लोग प्रयास करते हैं, माइनस फाइव ब्रैकेट में प्लस फोर से शुरू करते हुए माइनस फाइव फिर ब्रैकेट माइनस सिक्स ज्ञात कीजिए, ये देखिए आप फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, ये देखिए प्लस कर दिया, फिर सिक्स थ्री ज़ा एट्टीन, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ना चाहिए, अतः इन गुणनफलों को देखते हुए कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, अगर दो माइनस माइनस है तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं, पूर्ण संख्या हमारी क्या, होल नंबर में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। गुणनफल से पहले धनात्मक चिन्ह रख देते हैं, हाँ, और जब गुणा करते हैं तो उससे पहले हम जो है प्लस का साइन रख देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं, ये देखिए एग्जांपल में माइनस टेन फिर मल्टीप्लाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू, ये देखिए टेन को ट्वेल्व से करेंगे तो वन हंड्रेड ट्वेंटी आएगा, और माइनस माइनस हमारा क्या, प्लस, यही इस लाइन में बोला जा रहा है। बहुत सारी हमारी जो बुक होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, हम लोग क्या होते हैं करते हैं ना, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और बुक को अच्छे से समझते नहीं। आप बुक को समझ कर अच्छे से पढ़ोगे तो एक एक चीज़ आप सर्च करके पढ़ोगे, बस जल्दी जल्दी पढ़ के चैप्टर पर आ जाओ, नहीं, एक एक चीज़ को आप डीपली पढ़िए तब आपको अच्छे से आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है लेकिन इंसान डीपली बहुत कुछ सीख जाता है। इस प्रकार माइनस फिफ्टीन फिर मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, फिफ्टीन सिक्स ज़ा नाइन्टी, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो इसका आंसर नाइन्टी है। व्यापक रूप से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए एवं बी के लिए, देखिए जैसे माइनस ए है फिर मल्टीप्लाई माइनस बी है तो इक्वल टू ए प्लस बी भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।